हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम जो है हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो हमारी कंटिन्यू चल रही थी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी को हमने पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो नंद डायनेस्टी थी उसका अंतिम शासक घनानंद होता है, क्योंकि घनानंद एक क्रूर शासक था और घनानंद ने ही अपने दरबार में जो कौटिल्य थे या फिर कहें तो चाणक्य थे उनकी इंसल्ट कर दी थी, बेइज्जती कर दी थी और उनको दरबार से भगा दिया था। तो ऐसे में हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि किस तरह से जो कौटिल्य जो थे अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य उसको लाकर उस पर क्या करते हैं, नंद डायनेस्टी के शासक घनानंद पर आक्रमण कर देते हैं और जो है नंद डायनेस्टी वहां पर समाप्त हो जाती है और उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। लेकिन इसी दौर में हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से घनानंद के टाइम पर ही, जैसे मगध साम्राज्य में घनानंद जो है शासक कर रहा होता है, तो उसी समय पर जो विदेशी आक्रमण थे वह भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो है मगध में प्रवेश करने की कोशिश जो विदेशी आक्रांत थे वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि मगध का जो शासक था वह शक्तिशाली हुआ करता था और वह सीमा प्रांत से ही बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे में आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य जो है उसको पढ़ने से पहले कि कौन कौन से जो विदेशी आक्रमण थे जो भारत में हुए, कब, मौर्य साम्राज्य से पहले। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण हुए थे तो वह कौन कौन से हुए थे। तो इसमें अगर मैं बात करूं विदेशी आक्रमणों की, तो विदेशी आक्रमण जो थे वह जो मौर्य काल से पूर्व में थे वह थे ईरानी या फिर जिसको हम कहते हैं फारस। तो ईरान को ही फारस के नाम से जाना जाता था पहले। तो एक होता है ईरानी आक्रमण या फिर फारसी आक्रमण, और दूसरे होते हैं वह यूनानी आक्रमण होते हैं, और यूनान को नाम से जाना जाता था मकदूनिया के से। तो फारसी और मकदूनिया यह दो विदेशी आक्रमण जो हैं देशों द्वारा भारत पर किए जाते हैं मौर्य साम्राज्य के आते आते तक। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इन आक्रमणों के क्रम में, तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण होता है वह किया जाता है ईरानियों द्वारा, और ईरानियों को क्या कहते थे, फारसी। तो फारस के द्वारा सबसे पहले विदेशी आक्रमण किए गए। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो इस तरह से जो भारत का मैप है ये पश्चिमोत्तर भाग हुआ करता था, और इसी पश्चिमोत्तर भाग में पहले पड़ता है ईरान और फिर पड़ता है यूनान। तो ईरान और यूनान दोनों भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पड़ते हैं, अफगानिस्तान के साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले ईरानी जो है वह आक्रमण भारत पर करते हैं। तो ईरानियों के आक्रमण में मैं बात करूँ, जिस प्रकार से मगध जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था भारत में, और उसी प्रकार से ईरान फारस और मकदूनिया जो थे वह भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इसी साम्राज्य विस्तार के चलते हुए ईरान जो है आक्रमण कर देता है। तो ईरान में आक्रमण जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग से होता है। अब हम यहाँ सबसे पहले ये जानेंगे कि जितने भी आक्रमण हुए वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग से क्यों हुए। तो इसके पीछे एक बेसिकली रीजन है, जिस प्रकार से भारत है, भारत ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स भी क्या हैं, ये वेस्टर्न घाट के साइड में समुद्र है और पहाड़ियाँ भी ऊंची ऊंची हैं। ऐसे ही ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पर भी क्या है, समुद्र है और यहाँ भी पानी है। और तो इस तरह से भारत यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, और जो पूर्वी भाग था यहाँ जो थे यहाँ होते हैं बड़े बड़े पर्वत, और ऊपर भी क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में एकमात्र जगह जो है वह यह बच जाती है, और यहीं से होते हैं विदेशी आक्रमण। तो यहाँ से जो आक्रांत थे वो इजीली भारत में प्रवेश कर पाते थे। यहाँ पर हिंदूकुश पर्वत होता है, और हिंदूकुश पर्वत जो है उसको पार करते हुए विदेशी आक्रांता आक्रमण करते हैं। तो आप देखोगे भारत के इतिहास में जितने भी आक्रमण हुए हैं मोस्टली वो इसी रास्ते से हुए हैं या फिर पश्चिमोत्तर भाग से हुए हैं। तो ये तो थी भौगोलिक कारण कि क्यों पश्चिमोत्तर भाग से ही भारत पर आक्रमण हुए। अगर हम बात करें राजनीतिक कारणों की, तो जिस प्रकार से मगध एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुका था, तो मगध में जो शासक थे वो बहुत ही ताकतवर थे। तो ऐसे में मगध पर साम्राज्य को हासिल करना विदेशी आक्रांताओं के लिए बड़ा दुर्लभ होता था। लेकिन यहाँ के जो शासक थे ये छोटे छोटे शासक थे, और यह आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, तो यह एकजुट हो नहीं पाए थे, और यहाँ पर इंडिविजुअल कमांड रहती थी शासकों की, और यह शासक जो थे कमजोर भी थे। तो ऐसे में विदेशी आक्रमण बड़ी इजीली से हो पाते थे।
तो इसमें मैं बात करूं विदेशी आक्रमणों में, तो हमने देखा सबसे पहले आक्रमण होते हैं ईरानी, और ईरान को ही किस नाम से जाना जाता था, फारस के नाम से जाना जाता था। और दूसरे आक्रमण जो होते हैं ईरानियों के बाद, वह होते हैं यूनानी, या फिर मैं कहूं तो मकदूनिया के। अब हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की। तो ईरानी आक्रमणों के क्रम में अगर मैं बताऊं तो ईरान में इस समय पर शासन जो था वह था हकमनी साम्राज्य का। तो हकमनी नाम का एक साम्राज्य होता था, और इसी हकमनी साम्राज्य का जो है शासन कहाँ चलता था, ईरान में चलता था। और हकमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी साइरस द्वितीय द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ईरान में उस समय कौन से साम्राज्य था, तो वह था हकमनी साम्राज्य। और हकमनी साम्राज्य की स्थापना जो थी वह करी थी साइरस द्वितीय ने। तो हकमनी साम्राज्य ईरान में 558 बीसी से लेकर 330 बीसी तक चलता है। 558 बीसी से लेकर 330 बीसी तक हकमनी साम्राज्य का शासन ईरान में रहता है। और हालांकि 330 से पहले ही 331 में क्या कर देता है, यूनान, यूनान का शासक आपने सुना होगा सिकंदर, और सिकंदर आक्रमण कर देता है किस पर, ईरान पर, जिसको हम अभी वीडियो में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यूनान जो है, यूनान का शासक सिकंदर, जिसको सिकंदर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो वह जो है आक्रमण कर देता है और ईरान को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो हम पहले आज ईरान ही पढ़ेंगे। तो ईरानी साम्राज्य में स्थापना किसने की थी, साइरस द्वितीय ने। और साइरस द्वितीय जो है 558 बीसी से लेकर 529 बीसी तक यहाँ का शासक रहता है। तो ऐसे में जब पहला आक्रमण जो है वह किया जाता है साइरस द्वितीय द्वारा, तो साइरस द्वितीय जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आक्रमण कर देता है, लेकिन यह होता है एक असफल आक्रमण। और असफल आक्रमण होता है इसी वजह से साइरस द्वितीय वापस सीमा प्रांत से ही वापस चला जाता है। और तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला विदेशी आक्रमण जो था वह कहाँ, किसने किया था, तो साइरस द्वितीय ने ही किया था, लेकिन इसको हाथ कुछ लगता नहीं है और यह खाली हाथ चला जाता है, या फिर इसको कहें तो यह था एक असफल आक्रमण। तो पहला असफल आक्रमण जो था साइरस द्वितीय ने किया था, और यह सीमा प्रांत से ही वापस लौटकर चला जाता है। तो इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो यह था पिलिनी के विवरण से हमें पता चलता है। तो पिलिनी एक इतिहासकार हैं, उनके विवरण में यह भी दिया गया है कि जो साइरस द्वितीय जब भारत पर आक्रमण करता है तो पश्चिमोत्तर भाग में एक जगह होती थी कपीसा नगर। तो कपीसा नगर पर जो है आक्रमण करता है, और कपीसा नगर को हालांकि वह ध्वस्त कर देता है, लेकिन संपूर्ण तरह से उसकी विजय नहीं होती है और वह वापस चला जाता है। तो कपीसा नगर को ध्वस्त किया था किसने, साइरस द्वितीय ने। और ये कहाँ से पता चलता है, तो यह पता चलता है पिलिनी के विवरण से। उसके बाद होता क्या है, कैस्पियन क्षेत्र होता है एक पश्चिमोत्तर प्रांतों में, तो कैस्पियन क्षेत्र में ही एक डरवाइक नाम की जनजाति होती थी। तो कैस्पियन क्षेत्र था, वहाँ पर डरवाइक नाम की एक जनजाति थी, और जिससे लड़ते हुए साइरस द्वितीय जो है मारा जाता है। तो साइरस द्वितीय की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, 558 बीसी में आता है, और 529 बीसी में यह डरवाइक नामक जनजाति से कैस्पियन क्षेत्र में लड़ते हुए मारा जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वह बनते हैं कैम्बिसीज। तो कैम्बिसीज उसके बाद शासक बनते हैं, और कैम्बिसीज शासन में रहते हैं 529 बीसी से लेकर 521 बीसी तक। तो 529 ईसा पूर्व से 521 ईसा पूर्व लगभग 8 साल तक यह जो है कैम्बिसीज शासक रहता है। लेकिन कैम्बिसीज जो शासक था वह अपने गृह युद्धों में उलझा रहा, और जो फारस था उसी के जो गृह युद्ध थे आपस में ही संघर्षशील रहा, और ऐसे में भारत पर कोई भी आक्रमण यह नहीं कर पाता है। तो पहला आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था, लेकिन वह होता है असफल आक्रमण। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आता है कैम्बिसीज, और कैम्बिसीज शासक बनता है, लेकिन वह गृह युद्धों में लड़ा रहता है, उलझा रहता है 8 साल तक, और उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है और यह भारत पर आक्रमण नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं 521 बीसी में। तो 521 बीसी में शासक बनता है डेरियस प्रथम। तो ईरान का शासक डेरियस प्रथम, या फिर दारा प्रथम, यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। और यह क्या करता है, अपने आक्रमण को भारत पर आक्रमण करता है, और ऐसे में पहला आक्रमण जो है सफल आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, डेरियस प्रथम द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला विदेशी सफल आक्रमण कौन सा था। तो पहला विदेशी सफल आक्रमण जो है वो दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम ने किया था, और 516 बीसी में या फिर ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। ऐसे में करता क्या है, डेरियस प्रथम जो है भारत पर आक्रमण करता है, और आक्रमणों के क्रम में पहला सफल आक्रमण करता है 516 बीसी में, और 516 बीसी में यह करता है गांधार क्षेत्र पर। तो 516 बीसी में यह गांधार क्षेत्र को जीत लेता है कौन, डेरियस प्रथम। तो इसलिए क्योंकि इसने भारत प्रांत का गांधार जो क्षेत्र था वह जीत लिया था, इसलिए इसको माना जाता है पहला सफल आक्रमण। ऐसे में होता क्या है, जब 516 बीसी में
दारा प्रथम गांधार पर अटैक करता है और गांधार को जीत लेता है। तो यहाँ से आगे हेरोडोट्स एक इतिहासकार हैं, हेरोडोट्स ने बताया है कि जो डेरियस प्रथम था उसके पास 28 प्रांत होते थे। तो दारा प्रथम जो था या फिर डेरियस प्रथम, उसके पास टोटल 28 प्रांत थे। किसमें? ईरान के प्रांत। उनमें से जब गांधार को इसने जीता था तो अपना 20वां प्रांत बनाया था। तो टोटल प्रांत कितने थे? 28 प्रांत थे, जिनमें से भारत का जो प्रांत था, कौन सा? गांधार क्षेत्र, वह 20वां प्रांत बना था। किसका? तो ईरान का 20वां प्रांत बना था। तो दारा द्वारा 28 प्रांतों में से 20वां प्रांत किसको बना लिया जाता है? गांधार को बना लिया जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, गांधार एक बहुमूल्य क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ जमीन थी, और यहाँ से दारा प्रथम जब इसको जीत लेता है तो 360, तो 360 टैलेंट जो है मुद्रा, या फिर स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा कहें या फिर सोना कहें, तो यह प्राप्त करता था। कौन? दारा प्रथम। किसके रूप में? कर के रूप में यह प्राप्त करता था। कर कहें या फिर वहां की जो जमीन थी, वहां से 360 टैलेंट जो है मुद्रा कर के रूप में वसूलता था। कौन? दारा प्रथम। तो ऐसे में होता क्या है, इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा मिल जाती है तो विदेशी जो और थे, जैसे यूनानी थे, इनकी भी नजर कहाँ चली जाती है? भारत पर जाती है। तो यहाँ ऐसा भी बताया गया है कि ये जो 360 टैलेंट मुद्रा जो गांधार क्षेत्र से प्राप्त करता था, यह दारा प्रथम के टोटल प्रांतों को मिलाकर, जितना दारा प्रथम के टोटल 28 प्रांतों से जितना भी राजस्व आता था उसका 1/3, सोचो, मतलब 1/3 जो है एकमात्र कहाँ से आता था? गांधार से। तो इतनी बहुमूल्य क्षेत्र था गांधार। उसके बाद हम बात करते हैं 331 ईसा पूर्व में, और 331 ईसा पूर्व में क्या होता है, जो ईरान था, ईरान के बाद में दारा प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और दारा प्रथम जो था उसके बाद में छोटे छोटे शासक आते हैं और वह इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। और साथ में ही जो ईरान के पश्चिम में यूनान पड़ता है या फिर मकदूनिया पड़ता है, और मकदूनिया का शासक होता है सिकंदर। मकदूनिया, यूनान को हम कल ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं सारा बताऊंगा आपको किस प्रकार से कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से राजवंश जो है यूनान में हुए। लेकिन 331 ईसा पूर्व की मैं बात क्यों, तो 331 ईसा पूर्व में गागा मेला का युद्ध होता है। तो गागा मेला नामक एक जगह है और गागा मेला का युद्ध होता है, और उस युद्ध में क्या करता है, जो सिकंदर जो था, जो विश्व विजेता बनने का सपना लिए घूम रहा था, वह ईरान पर आक्रमण कर देता है, और ईरान पर आक्रमण कर कर ईरान को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस प्रकार से ईरान का साम्राज्य जो था, हकमनी साम्राज्य, उसकी समाप्ति हो जाती है 331 ईसा पूर्व में। तो 558 से लेकर 330 बीसी कहें या फिर 331 बीसी कहें, तब तक राज रहता है ईरान का, और बाद में ईरान पर शासन किसका हो जाता है? यूनानियों का शासन हो जाता है, और यूनानियों के आधिपत्य में ईरान चला जाता है। तो सिकंदर जीत लेता है ईरान को, कब? 331 ईसा पूर्व में, और यह होता है गागा मेला का युद्ध। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से ईरानी आक्रमण हुए, तो कोई भी आक्रमण भारत में होगा या फिर किसी भी देश पर कोई आक्रमण होता है, तो वहाँ के लोग जो है अपनी संस्कृति, कला या फिर कुछ प्रभाव जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई भी आता है, इवन दैट लाइफ से रिलेट किया जाए, तो वह अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट्स या प्रभाव आपके ऊपर छोड़कर चला जाता है। ऐसा ही होता है आक्रमणों के केस में। तो ईरान का जब आक्रमण होता है, तो लगभग 558 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक लगभग 200 साल हो जाते हैं। तो 200 साल लगभग जो है ईरान का जो शासन है भारत के गांधार तक रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये दोनों देश आपस में संपर्क में आ जाते हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो यह एक दूसरे की कला, संस्कृति, इनका जो है विकास होता है। तो आइए देखते हैं ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव जो है भारत पर पड़े। तो ईरान में एक जो है, ईरान के आक्रमण से एक लिपि का जन्म होता है, वह कहलाती है खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि का जन्म होता है किसकी वजह से? ईरानी आक्रमण की वजह से। तो हम बात करें खरोष्टी लिपि की, तो खरोष्टी लिपि अरमाइका लिपि और ब्राह्मी लिपि, अरमाइका लिपि और ब्राह्मी लिपि दो लिपियों को मिलाकर जन्म होता है किसका? खरोष्टी लिपि का। तो यहाँ पर जो अरमाइका लिपि थी यह थी ईरानी लिपि, तो अरमाइका ईरानी लिपि थी, और ब्राह्मी लिपि जो है ऑलरेडी भारत में चल रही थी। तो अरमाइका ईरानी लिपि और ब्राह्मी लिपि ऑलरेडी भारत में थी, तो अरमाइका और ब्राह्मी दोनों को मिलाकर एक नई लिपि का जन्म होता है, और वह कहलाती है खरोष्टी लिपि। तो जो अरमाइका लिपि है या फिर खरोष्टी लिपि है, यह भी किस तरह से, जिस तरह से फारसी लैंग्वेज जो होती है लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, तो वैसे ही इसमें होता है खरोष्टी लिपि में। तो खरोष्टी लिपि किससे मिलकर बनी है? अरमाइका लिपि प्लस ब्राह्मी लिपि।
बाद में बात करें, क्योंकि इसी के काल के समय समय साथ साथ के साथ में मौर्य साम्राज्य भी अपना क्या है उभर कर आ रहा था। तो बाद में चलकर जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि यह जो खरोष्टी लिपि थी, यह अशोक के जो शिलालेख थे उन पर इसका जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो बाद में जब शिलालेखों की उत्खनन से प्राप्ति होती है तो उन जो शिलालेख थे उन पर देखा गया है कि खरोष्टी लिपि जो है उसमें लिखे हुए हैं। बात करें कला और वास्तुकला की, तो कला कहें या फिर वास्तुकला करें तो इसके मामले में ईरान जो है उसको महारत हासिल था। किसमें? वास्तुकला में। तो ईरान को महारत हासिल था, तो ऐसे में क्या है वह कला भी विकसित होगी भारत में। तो इस कला की वजह से जो घंटा के आकार के जो गोल गुम्बद होते थे, जिस तरह से जो घंटा होता है इस टाइप से, तो जो गोल गुम्बद जो होते थे घंटा के आकार के, उनका भी जो बहुत सारी जगह पर गोल गुम्बद जो घंटा के आकार के मिलते हैं, और वह भी किसकी देन था? यह भी ईरानी आक्रमण की ही देन था। साथ में बात करूं दीपी शब्द, तो एक दीपी शब्द होता था ईरानी लैंग्वेज में, तो उसके लिए भारत में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम व्यापार और वाणिज्य की। तो क्योंकि जब दो देश आपस में संपर्क में आते हैं या फिर आक्रमण होते हैं तो व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलता है। तो बाद में देखा गया है, बाद में जो साक्ष्य मिलते हैं, जो ईरानी सिक्के थे, ईरानी जो सिक्के थे वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जो सिक्के थे तो उसकी वजह से व्यापार या वाणिज्य जो है हुआ करता था। किसके बीच में? ईरान और भारत के बीच में व्यापार हुआ करता था। बाद में चलकर नए मार्गों का भी पता चलता है, तो ईरान से होते हुए यूनान और जितने भी सीमा के प्रांत के देश थे वहाँ तक व्यापार के लिए नए रास्ते मिल जाते हैं, और ईरानी सिक्के जो है पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। तो इनसे भी पता चलता है कि यह जो है व्यापार और वाणिज्य भी इनके बीच में होता रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण में ईरान या फिर फारस के जो आक्रमण थे वह क्यों हुए, किस किस ने किए, और उनके क्या क्या प्रभाव जो है भारत पर पड़े, यह आपको बेहतर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनान के आक्रमण, यूनान या फिर सिकंदर जो है यहाँ का शासक होता है, तो हम कल पढ़ेंगे सिकंदर जो है विश्व विजेता का सपना लिए हुए भारत में किस तरह से प्रवेश करता है और भारत में उसने क्या क्या जीता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।